के लंदन ओलंपिया में 3 रोजा आलमी कुतुब मेला सज गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हजारों पब्लिशर्स और यूनिवर्सिटियों के स्टॉल लग गए। पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत और तारीखी विरासत को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लंदन से अपने नुमाइंदे असद अली से। जी असद अली बताइएगा। बिल्कुल जी, लंदन ओलंपिया में जो आलमी कुतुब मेला है उसका जो उसका आगाज हो चुका है। 3 रोजा ये मेला, इसमें दुनिया भर से जो हजारों की तादाद में पब्लिशर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स आते हैं, दुनिया भर की जो मालूमात है उसका तबादला किया जाता है। पाकिस्तान से भी जो पब्लिशर्स हैं वो भी इस कुतुब मेले का हिस्सा बनते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। हबीबा सलाहुद्दीन जी से जानना चाहूंगा उनके, हमें बल्कि ये भी नजर आ रहा है कि बड़ी एक जो जबरदस्त किताब है पाकिस्तान द ब्यूटी एंड स्प्लेंडर्स के बारे से, ये पूछना चाहूंगा इस किताब में किस किस्म की जो मालूमात है। हम लोग ने ये कॉफी टेबल बुक इस साल पब्लिश करी है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलर है हमारे मुल्क में। इसमें चारों सूबों पर है और जो पाकिस्तान की जो मशहूर अपना बिल्डिंग्स हैं, आर्कियोलॉजी है, हर तस्वीर आपको इसमें मिलेगी और इसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन भी है जो हमारे मुल्क के बारे में जो दूसरे मुल्क जो परसीव करते हैं, जो सोचते हैं उससे बहुत हटकर इसके अंदर है। इसमें हमें बड़े अच्छे रिव्यूज मिले हैं इंटरनेशनल और प्लस लोकल रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ मौजूद है तमीम मुर्दा, हर साल आते हैं यहाँ पे ये, माशाल्लाह हर साल हम जैसे स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लाता है ताकि हमें एक्सपोज करे, ताकि पाकिस्तान में जो एजुकेशन की बेहतरी लाए, ताकि जो जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी वो लाया, अभी ऑनलाइन एजुकेशन पे हम यहाँ लाए हैं दिखाने के लिए कि जी इंटरनेट पे जो ये रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करें। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है ना उनके भी बहुत सारे पब्लिशिंग इदारे हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं वो वगैरह हैं, अब उनको थोड़ी सोचनी चाहिए कि वो भी आस्ता आस्ता आए। ठीक है, वो बातों के इंसान कदम उठाता है तो शुरू शुरू में इतना उनकी एक्सपोज इतना उनको मार्केट नहीं मिलता है, मगर आस्ता 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 एक्सपोजर होते होते हुए वो भी एक अपनी पोजीशन ले आएंगे। तो ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट को भी अपने टेक्स्ट बुक बोर्डों को बोलना चाहिए ठीक है जी अगर आप ऐसी किताबें बनाएं जो हमारे अपने स्कूलों में भी इस्तेमाल हो और एक आलमी और इंटरनेशनल तौर पर भी इस्तेमाल करें। अब जैसे उर्दू एक लैंग्वेज है, अब उर्दू की लैंग्वेज बुक्स कहां बनेगी? ठीक है, साउथ एशिया में से जो आएगी, पाकिस्तान को एक लीड लेनी चाहिए कि उसकी उसकी प्रमोशन के लिए किताबें लाए, इधर लाए, लैंग्वेज लर्निंग में उर्दू की एक प्रमोशन करें। बड़ी अच्छी बातें की जी तमूर मिर्जा ने कि इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको चाहिए कि इस तरह के आलमी जो कुतुब मेले होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा उन पब्लिशर की सपोर्ट करें, जिस तरीके के साथ हम अपनी जो सकाफत है, अपनी जो एजुकेशन है, हमारे जो वहां पे विरसा है उसकी बड़े अच्छे तरीके के साथ जो यहाँ पे रोनमाई भी करवा सकते हैं, बता सकते हैं। और इस टाइम जो उर्दू जबान है वो जो मानी जाती है बड़ी जबानों में इस्तेमाल होता है, उसका भी उसके बारे में भी तरवीज हम उसकी कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है ऐसे कुतुब मेले में शिरकत से जो आलमी सतह पर जो रिसर्च हो रही है, नॉलेज है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस जो रिसर्च के ऊपर जो पाकिस्तान है वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीज हो सकता है। तफसीलात के लिए।